और सपोज उसके अंदर ब्लैक पेस्टेड आईसी हुई तो वो कैसे करेंगे? ब्लैक पेस्टेड आईसी तो सर ने दूसरे दिन में हमने इतना सिखा दिया कि हम ब्लैक पेस्टेड आईसी पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी ब्लैक पेस्टेड होम निकाल के बिना कुछ डैमेज किए वापस लगा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एक चीज और बताएं, आपने एके इन्फो ज्वाइन किया, कैसे पता चला आपको एके इन्फो के बारे में? एके इन्फो मैंने आपकी चैनल पे देखा था, फिर मैंने आपको ही कॉल किया था कि भाई मैंने इतनी इतनी इंस्टीट्यूट देखी, इसमें से आप बोलो कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट है। तो आपने बताया कि एके इन्फो जाओ, मैं इसमें MMC खुल के फिर इसको लगाऊंगा। MMC खुलने के बाद हैंडसेट टोटल डेड हो जाएगा, फिर मैं MMC लगा के चालू कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि मैं एके इन्फो आपको लेकर जाऊं, वहां पर स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, मैं आज आपको अपडेट करूं, ऐसी जगह लेकर आऊं यहां पर जो स्टूडेंट है। इससे पहले कई और इंस्टीट्यूट गए भी थे, बाकी मैं उन इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट ये गए थे और जो उनके ऑनर है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे उनको। उनसे तो मेरा यही कहना है कि वो थोड़ा सा अपने आप को और भी अब ज़्यादा अपडेट करें, ताकि वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो गुमराह करते हैं, तो वो गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक सबूत देने वाला हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि काम कर रहे हैं, काम क्या मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, डबल डेकर भी इन्होंने किया या नहीं किया, चलिए वो भी हम जानेंगे प्रिया मैम से। और उसके अलावा और स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं और वो हमें बताने वाली है प्रिया मैम। हेलो मैम। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि हमारे सारे स्टूडेंट ने कैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल किया या क्या क्या उन्होंने सीखा। एक्चुअली सिर्फ हम बात नहीं बोलते, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। सर प्लीज गिव मी प्रोग्रेस रिपोर्ट। सर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये एक इन्फो का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। यहाँ पे सारे सिलेबस और सारे कंटेंट हम लोग लिख के देते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो गुमराह ना हो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ऐसे ही तुक्के कर देते भाई मैं सब करा दूंगा सब करा दूंगा, लेकिन एक्चुअली जब स्टूडेंट पे पहुंचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यही कारण है कि हमारे इतनी सी ही बैच में, जो हमारे अभी 15 स्टूडेंट का बैच है, इसी में से 5 लोग हैं जो अदर इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। कोई हैदराबाद से है तो कोई कहीं से है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी हैदराबाद में कौन से स्टूडेंट से है, तो ऐसे है। तो ये लोग एवरीडे अपने ही जो कंटेंट करते हैं वहाँ पे सिग्नेचर भी करते हैं, इन्हें समझ में आया तो सिग्नेचर करते हैं, नहीं समझ में आया तो वो हमारा सर का काम है उन्हें फिर से समझाएं। ओके, बहुत अच्छी बात। तो आज मैं अपने स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ वन बाय वन, उन्होंने वो अभी तक क्या सीखे इतने दिनों में और उन्हें कैसा लगा यहाँ का जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है या हमारे जो टीचर है वो कितने अपडेट हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी कि मैं क्या कराती हूँ नहीं कराती हूँ, वो आप हमारे स्टूडेंट से पूछिए वन बाय वन। तो गाइस वीडियो को इसी तरह कंटिन्यू करते हुए, सारे यहाँ पर स्टूडेंट है, वीडियो हो जाएगी तकरीबन 2-3 घंटे की, तो उसको शॉर्ट करते हुए चलिए इनमें से 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो भी फॉल्ट है वो करवाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी आज कि सारे के सारे जो मोबाइल रहेंगे, सारे के सारे मोबाइल ऑन रहेंगे, ऑन हैंडसेट पर यहाँ पर आज काम दिखाने वाले हैं आपको। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने मुझे कमेंट किया कि मैं आपको एके इन्फो लेकर जाऊँ, तो आज मैं आपको एके इन्फो दोबारा से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर प्रिया मैम कौन क्या करके दिखाने वाले हैं उनके बारे में बताइए प्लीज। सर मुझे भी नहीं अभी समझ में आ रहा है मैं किससे बोलूं। आप किसी भी स्टूडेंट से हमारे कोई भी काम करवा सकते हैं, यहाँ पे वो चीज नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट को हम तैयार करेंगे वीडियो के लिए, सारे स्टूडेंट्स में सिमिलैरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी आप कहीं से ले लीजिए, जैसे कि आप राजकुमार जी से ले लीजिए। हेलो राजकुमार जी। जी मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। ठीक है, तो राजकुमार जी भी आप क्या बताने वाले हैं? जी मैम, मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है। अच्छा, 550 FY। क्या अभी क्या बताने वाले हैं सर? ये मैम ऑन मोबाइल है 550 Y। हाँ, ये हम आपको चेक करा दे रहे हैं। अच्छा, इसका मैं अभी पावर निकाल रहा हूं। आप चेक करा रहे हैं, तो एक मिनट सर, मैं चाहूंगी कि ये जो चेक करा रहे हैं आप इनको थोड़ा सा कि क्या वर्किंग होगी वो आप कैमरा पे दिखाएं सर। जी मैम। तो क्या ये फोन ऑन है? जी मैम ऑन है एकदम। अच्छा, तो इसको क्या करने वाले हैं आप सर? जी मैम इसका पावर निकाल के। अच्छा, डेड करके फिर से ऑन करने वाले हैं आप? जी मैम। तो क्या सर आपका इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फोन को डेड करके आप ऑन कर लोगे? जी मैम। वेरी गुड। तो सर आप देख सकते हैं ये फोन पूरी तरह से ऑन है और ये आपके सामने पे लाइव करके इसको डेड भी करेंगे और फिर से ये दोबारा ऑन करेंगे सर। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं सर ने हैंडसेट अभी ऑन किया है, सैमसंग आ रहा है, तो इससे पहले वो थोड़ा सा एक आध मिनट और आपका और मेरा भी ख़राब करें, इनसे साइन करा लेते हैं हैंडसेट पर। सर इस पे साइन कीजिए एक बार मदरबोर्ड के ऊपर। गाइज ये साइन इसलिए हो रहा है ताकि आपको बाद में भी चेक कराएं कि ये साइन वो है या नहीं है, ठीक है। ओके सर, आप दिखाइए इसमें क्या करके दिखाने वाले हैं।
तो गाइज इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या उनके अंदर कितना जोश है, आखिर वो देखने से ही पता चलेगा। शायद मैं अगर आपको बोलूँ तो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखकर ही पता चलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से, वो क्या दिखाने वाले हैं उनसे बात करते हैं। और क्या दिखाने वाली है मैम? तो सर ये आदिल जी अभी हैं, रैंडमली मैं इनसे भी पूछ ले रही हूँ। ये आदिल जी हैं जो अभी PMIC पे काम करके भी दिखाएंगे। तो आदिल जी आप ही बताइए कि आप क्या काम करके बताएंगे। आदिल जी सबसे पहले तो आप ये बताएं आप कहाँ से हैं सर? हाँ सर मैं गुजरात राजकोट से हूँ। अच्छा तो ये आप क्या करके दिखाने हैं? आप ओप्पो, आज ये ओप्पो का हैंडसेट है, रियलमी 2 है। तो रियलमी 2 के अंदर आप क्या करके दिखाने वाले हैं? सर मैं इसकी PMIC चेंज करके फिर वापस रिबॉल करके, मतलब पहले निकालूंगा फिर रिबॉल करूंगा फिर वापस डालूंगा, ठीक है, और फिर सेट ऑन करके वापस दिखाऊंगा। तो कंफर्म है, श्योर है आप कर लेंगे? श्योर सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? आज हुआ 9-10 दिन हुआ। 9-10 दिन हो गया आपको? तो कैसा फील हो रहा है आपको? पहले आप कहाँ, मतलब क्या नहीं कर पा रहे थे जो आपने एक इन्फो को ज्वाइन किया? 5 साल से मेरी शॉप है जी, मतलब मैं OCA वगैरह सब कर रहा था, हार्डवेयर काम में मेरे को दिक्कत हो रही थी। जैसे ऐसा लगता था कि भाई फोन अभी डेड हो जाएगा तो फिर कस्टमर को क्या बोलेंगे, पर इधर आके हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर कोई भी IC हो, MMC हो, CPU हो, कोई भी हो, हम निकाल के चेंज कर सकते हैं, रिबॉल कर सकते हैं, वापस सेट ऑन कर सकते हैं। और सपोज उसके अंदर ब्लैक पेस्टेड IC हुई तो वो कैसे करेंगे? ब्लैक पेस्टेड IC तो सर ने दूसरे दिन में हमने इतना सिखा दिया कि हम ब्लैक पेस्टेड IC पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर कोई भी ब्लैक पेस्टेड हो हम निकाल के बिना कुछ डैमेज किए वापस लगा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एक चीज और बताएं, आपने एक इन्फो ज्वाइन किया, कैसे पता चला आपको एक इन्फो के बारे में? एक इन्फो मैंने आपकी चैनल पे देखा था, फिर मैंने आपको ही कॉल किया था कि भाई मैंने इतनी इतनी इंस्टीट्यूट देखी है, इसमें से आप बोलो कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट है। तो आपने बताया कि एक इन्फो जाओ, और मैंने एक इन्फो के पूरे सब वीडियो देखे। उसमें मैंने सुजीत सर का देखा, मैंने 2-3 जन को सुजीत सर का पूछा तो बोला सुजीत सर इज बेस्ट। ओके इसलिए फिर मैं इधर आया, मैंने कोई डेमो भी नहीं लिया, डायरेक्ट एडमिशन ही ले लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक इन्फो जा सकते हैं, तो जो मैंने आपको बताया वैसा इंस्टीट्यूट है? यस सर 100% वैसा ही। ओके तो ठीक है, प्लीज दिखाइए आप क्या करके दिखाने वाले हैं। ठीक है तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हैंडसेट के अंदर इस टाइम पे चार्जिंग का साइन आ रहा है, एक्चुअली बैटरी लो है और ऑन भी होता है वो। बाकी इसके ऊपर ये एक IC उतार के दिखाने वाले हैं और उसको दोबारा से ऑन करके भी दिखाने वाले हैं। आदिल जी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा बैटरी लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप कभी आप सिग्नेचर कर दीजिए। नेक्स्ट सर आप पूछ सकते हैं अधीर जी से, वो भी अभी क्या किस पे EMMC पे काम करके बताएंगे, EMMC IC पे, राइट अधीर जी? जी जी। तो आपका हैंडसेट ऑन है सर या ऑफ है इस टाइम? जी मेरा ये हैंडसेट फुल्ली ऑन है, ठीक है, सिर्फ इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके ये मैंने खुद मतलब इससे दूसरा मोबाइल पे RF लगा कर रख दिया था, इसलिए बाकी सब ओके है। ये मैं इसमें MMC खुल के फिर इसको लगाऊंगा, MMC खुलने के बाद हैंडसेट टोटल डेड हो जाएगा, फिर मैं MMC लगा के चालू कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस टाइम पे हैंडसेट ऑन है, और ऑन होने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपको क्या चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर एक IC यहाँ पर नहीं लगी रही है इस टाइम पर। जब ये हैंडसेट दोबारा से ऑन होगा तो यही मैं आपको मदरबोर्ड फिर वापस चेक कराऊंगा, तो इससे पहले ये इस काम को करेंगे। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से हैं। सर आप कहाँ से? मैं असम की मोरिगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आपने एक इन्फो कैसे ज्वाइन किया सर, कैसे पता चला आपको? मुझे ऑनलाइन वीडियो देखा था एक इन्फो का, सारे के सारे वीडियो देखा, देख के इतना कॉन्फिडेंस लगा कि मैं वहाँ जाके सीख सकता हूँ, और मैं स्पेशली फर्स्ट मतलब 5 इंस्टीट्यूट का नंबर एक साथ जोड़ के मैंने बेस्ट एक इन्फो को सिलेक्ट किया, तो मैं एक इन्फो आया। तो इससे पहले मतलब जो आप क्या कर रहे थे, मतलब अपनी शॉप पर कहाँ तक काम करते थे? जी मैं अपनी शॉप, मेरा 2 शॉप है, मैं दोनों शॉप में काम करता हूँ, और लगभग मैं बहुत कुछ यहाँ के बहुत कुछ अपडेट किया है। मैं इसे मुझे ऐसा फील होता है कि जितना मैं रिजेक्ट करके रखा आया हूँ घर में, जाके मैं 70-80% कर लूँगा। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये इतने पॉजिटिव हैं, ये बोल रहे हैं कि 70-80% में घर जाकर वो हैंडसेट डेट जो मेरे रखे हुए हैं उनको मैं वापस ऑन कर लूँगा। तो अगर आप भी एक इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये कोई फेक रिव्यू नहीं है, जो भी है ये जेन्युइन है बिल्कुल, और ये जो हैंडसेट है ये बिल्कुल ओरिजिनल हैंडसेट है। ये जैसे कि तो गाइस चलिए देखते हैं ये स्टूडेंट भी है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सर आप क्या कर रहे हैं? ये स्टेटर्ड IC है, CPU है। ओके इसको निकाले, एक अभी एक बॉल भी खराब नहीं हुई है, अभी इसको वो क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं कि पेस्टेड मदरबोर्ड से इन्होंने CPU उतारा है, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे पेस्टेड मदरबोर्ड से इन्होंने CPU उतारा है। तो सर ये कौन सा मॉडल है? सर ये MI का सेट है। MI का सेट है। ओके
तो भाई चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यही यहाँ पर सीपीयू बना रहे हैं, ऐसे ही वो भाई उधर डबल डेकर आईसी पे काम कर रहे हैं, और ऐसे ही सब कुछ ना कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं सबसे बेस्ट दिखाने के लिए। तो चलिए इसी तरह से वीडियो पर बने रहे। मैं आप वीडियो मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं ये वही वाला मदरबोर्ड है जिसके ऊपर सर ने अभी आईसी उतारी है, और अगर चेक कराने वाली बात है मैं एक बार इसको पीछे से चेक कराता हूँ कि इन्होंने नेटवर्क आईसी इसके उतार रखी थी। तो ये नेटवर्क आईसी ये देखिए, इसके ऊपर से नेटवर्क आईसी अभी भी आपको निकली हुई दिख रही होगी। ठीक है सर, आप दिखाएं इसको कैसे ऑन करेंगे। तो सर हो गया आपका हैंडसेट? जी सर। दिखाएंगे सर? जी सर। सबसे पहले एक बार साइन चेक करा दीजिए, थोड़ा सा रोशनी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं साइन इन्होंने जो किए थे वो यहाँ पर वैसे ही मौजूद हैं। और कौन सा आईसी लगाया है सर आपने? सर पावर आईसी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने पावर आईसी इसके अंदर लगाया है। तो ऑन होगा सर? जी सर बिल्कुल होगा सर। दिखाइए सर। ये देखिए, वाह क्या बात है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने अपना जो पावर लगाया था वो पावर लगाने के बाद इन्होंने अपना हैंडसेट ऑन कर दिया है, और हैंडसेट ऑन अभी देखते हैं। सैमसंग है, थोड़ा स्लो चलता है। ये देखिए सैमसंग आ गया इसके अंदर। ठीक है सर, ओके जी सर, थैंक यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ओके जी सर, यहाँ पे आके हमने कोई गलती नहीं की जी। और हमारे सर इतना बढ़िया समझाते हैं सर, एक बार में दिमाग में आ जाता है सर। ठीक है, हम यही कहना चाहेंगे अगर कोई भी किसी के मन में भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी अगर सीखने आना चाहता वहाँ पे, तो बेझिझक चले आइए। तो सर मैंने जो आपका भी वीडियो शूट किया, कहीं ऐसा तो नहीं आपने मदरबोर्ड वगैरह चेंज कर दिया हो? जी नहीं सर, आप एक नहीं 10 सेट ला के हमसे करवा लीजिए, हम करके देंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है फुल। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर थैंक यू। सर हुआ आपका? जी सर मैंने अभी MMC लगाया, मैं अभी शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टिंग है कि नहीं। ओके तो कूल टेस्ट के लिए कंफर्म सर ऑन होगा? 100% सर ऑन हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ सर जब आप इतनी श्योरिटी से बोल रहे हैं तो 100% मुझे भी लग रहा है कि ऑन होना ही चाहिए। और ऑन करने से पहले एक बार मैं मदरबोर्ड दिखा सकते हैं? ये मदरबोर्ड जी, क्योंकि इसके अंदर एक आईसी नहीं थी, वो आईसी इसके अंदर अभी भी नहीं है। ठीक है, सो ट्राई करूँ? ओके देखिए सर ऑन हो गए। ओके वेरी गुड। सर जब कोई हैंडसेट ऑन होता है आप उसको डेड कर देते हैं, उसके बाद जब आप दोबारा से उसको ऑन करते हैं क्या कैसा फील होता है सर? पहले बड़ा क्रिटिकल फील होता था सर, ये कस्टमर का हैंडसेट है, ये मुझे जुर्माना क्यों नहीं भर पाए। लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी मोबाइल आसानी से खोल सकता हूँ बिना कस्टमर के रिस्क से। ठीक है, जैसे कि इसको किया सर। तो आपके यहाँ जो हैंडसेट रखे हुए हैं आपकी शॉप पर जो आपसे डेड हो गए थे, आप वो भी ऑन कर सकते हैं? जी मैं मेरा हैंडसेट बहुत रख के आया हूँ जी। जी मैं शॉप जाऊँगा जाके पहले वो बनाऊँगा। मैं बहुत सारा हैंडसेट पड़ा हुआ था, मैंने रिजेक्ट करके रख दिया। मैं अभी यहाँ ऐसा फील हुआ कि मैं वहाँ जाके एक भी मोबाइल मिस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। तो एक इन्फो का पढ़ाने का क्या तरीका है? तरीका बहुत अच्छा है, कोई भी अगर ज्वाइन करे तो एक इन्फो ही आई है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं सर ने जो हैंडसेट था वो ऑन कर दिया है, और उसके बाद जो प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए वो प्रॉपर डिस्प्ले भी यहाँ पर शो हो रहा है। ये वही हैंडसेट है जो कि अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले दिखाया है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैं एक इन्फो लेकर आया था आपको, और प्रिया जी ने हमें काफ़ी स्टूडेंटों का काम दिखाया कि कौन क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए बैठे हुए हैं। काफ़ी भाइयों ने हैंडसेट जो डेड हैंडसेट थे उनके ऊपर साइन किए और उनको ऑन करके भी दिखाया। तो मैम आप क्या कहना चाहती हैं?
सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े दावे ना करें, वो एक बार स्टूडेंट के रिजल्ट पे भरोसा करें, क्योंकि हमारे पास ये जो मैंने अभी टाइम के कम होते हुए मैंने अभी 4 का ही रिजल्ट दिखाया, लेकिन हमारे पास अगर 15 स्टूडेंट होंगे तो मैं ये दावा कर रही हूँ कि 15 के 15 स्टूडेंट को मैं सफल करके ही भेजूंगी। बिल्कुल। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने आज आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया था, तो मेरी कोशिश यही रहती है आपके लिए नई से नई वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं और बिल्कुल जेन्युइन लेकर आऊं। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी सर कि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग तक का ही मतलब नहीं है, हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग उसको अपडेशन भी देते रहते हैं और टाइम टू टाइम हम अपने सारे स्टूडेंट को अपडेट देते रहते हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं तो उस चीज़ का हम लोग पूरा वीडियो शूट करके, पूरा प्रोफेशनल वीडियो शूट करके हम उन्हें भेजते हैं और वो अपडेट होते हैं इस तरीके से। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।